गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखो बेटे, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? विलिंगफुल बेटे, कोई भी पार्टनर नोटिस देकर पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। बेसिकली वो नोटिस देकर ये कह सकता है कि मैं एट प्रेजेंट बिजनेस का मैं पार्टनर बना नहीं रहना चाहता, तो उसको कहते हैं बच्चों रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब देखो बेटे, जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसने कैपिटल भी लगाई है बच्चों बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो बेटे क्या होता है कि हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम उसके साथ गड़बड़ा जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। कैसा परिवर्तन? अब मान लो बेटे, मैं एक एग्जाम्पल आपको डिस्कस करना चाहूंगी। ए बी सी इन ए बिजनेस आर थ्री पार्टनर्स, देयर रेशियो इज इक्वल 1:1:1। ओके, अब क्या होता है बेटे कि बी क्या हो जाता है, स्टूडेंट रिटायर्ड हो जाता है आफ्टर गिविंग द नोटिस। क्या हो जाता है? रिटायर्ड हो जाता है। तो देखो बेटे, बी के रिटायर होने से क्या होगा, ए और सी को उसका क्या मिल जाएगा बच्चों? शेयर मिल जाएगा। ए और सी को क्या मिल जाएगा? उसका शेयर मिल जाएगा। तो मतलब अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो जितने भी कंटिन्यूइंग कौन से होते हैं बच्चों, जो पार्टनरशिप को चला रहे हैं, जो आगे फर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। तो देखो बेटे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं बेटा, वो उनको क्या हो जाता है बेटे? गेन हो जाता है। तो बेटे इस चैप्टर के अंदर हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। प्रीवियस चैप्टर में बेटे, एडमिशन के टाइम अगर एक नया पार्टनर आता है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको अपना शेयर उसमें नए पार्टनर को डिवाइड करना पड़ता है, तो वो सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। तो हम एडमिशन के टाइम क्या निकालते हैं बच्चों? सैक्रिफाइस रेशियो। बट इन दिस चैप्टर नाउ इट्स अ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन दिस चैप्टर वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्योंकि बेटे पार्टनर के रिटायर होने से जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि ए और बी सी तीन पार्टनर थे, बी अगर रिटायर हो गया तो ए और सी को उसका शेयर क्या हो जाता है बच्चों? मिल जाता है। यानी कि जो पुराने पार्टनर है वो क्या करते हैं बच्चों? गेन करते हैं। तो इसलिए बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। तो देखो बेटे, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटे क्या होता है कि जो न्यू रेशियो होती है वो ज्यादा होती है, गेन करने के बाद उनको पहले से क्या मिल जाता है? ज्यादा शेयर मिल जाता है। तो इसलिए बच्चों जो न्यू रेशियो है वो क्या होती है? न्यू शेयर होता है वो क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है, क्योंकि हमें क्या मिल जाता है बच्चों? गेन हो जाता है शेयर। तो बेटे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो बेटे, मैथमेटिकली आप इन रेशियो को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो बेटे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है तो हम न्यू में से क्या माइनस कर देंगे? गेनिंग माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट? गेनिंग रेशियो। ऐसे ही बच्चों अगर न्यू रेशियो निकालनी है तो ओल्ड यहां आ गई, ओल्ड रेशियो में हम लोग गेनिंग रेशियो को क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। तो इसके कारण बच्चे हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो। कहने का मतलब सिर्फ क्या है? दिस इज द इम्पोर्टेंट रेशियो। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप लोग मैथमेटिकल इक्वेशन करके इनको चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन सी दैट गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो बच्चों होता क्या है, जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो बेटे उसको बहुत सारे राइट्स होते हैं। किस किस चीज के राइट्स होते हैं, उसको क्या क्या मिलता है? तो देखो बेटे, एक रिटायरिंग पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं? राइट्स ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मतलब अधिकार है, उसको क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वन, शेयर इन रिजर्व्स। बिजनेस के पास जितने भी रिजर्व्स हैं वो मिलने चाहिए उसको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शेयर इन प्रॉफिट, जितने टाइम वो बिजनेस में रहा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। थर्ड वन, शेयर इन गुडविल, गुडविल में उसको शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है अगर वो फर्म को छोड़कर जाता है तो उस केस के अंदर उसके कई बार क्या होते हैं कि कई राइट्स क्रिएट होते हैं, जो मैंने आपको लिखकर बताए हैं कि जोन जोन से राइट के अकॉर्डिंग हमें उसको पे करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बेटा हमें जो हमारी इसलिए बेटा हमें कई तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आज हम लोग बेटे फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसके अंदर बेटा गेनिंग रेशियो निकालनी आपको सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों अपना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
ये बेटे क्या है, राइट्स ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। प्रॉफिट में से शेयर मिले, रिजर्व मिले उसको, ठीक है बच्चों, उसको गुडविल में से शेयर मिले, उसको रिवेल्यूशन का क्या मिले बच्चों, प्रॉफिट मिले। क्योंकि बेटे वो इतने टाइम बिजनेस के अंदर रहा है, जब वो बिजनेस को क्विट करके जा रहा है तो उसको राइट्स है कि वो इन सब चीजों की डिमांड कर सकता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे गेनिंग रेशियो की। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसी रेफरेंस में बेटे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाना चाहूंगी। देखिए बेटे आपकी डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी आर पार्टनर्स, द रेशियो बिटवीन द 4:5:3:1:2। अब देखो बेटे इसने क्या कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर बी और सी क्या होता है बच्चों, बी एंड सी रिटायर्स, बी और सी क्या हो जाते हैं बच्चों, रिटायर हो जाता है। व्हाट इज अ न्यू रेशियो, देखो बेटे जो चले जाएंगे बिजनेस को छोड़कर कौन कौन गया है, बी और सी, देन न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड डी, क्योंकि बी और सी तो फर्म को छोड़कर चले गए, तो बेटे ये इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो। अब बेटे ऐसा कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, तो इस कारण से बेटे इस क्वेश्चन में के अंदर हमारी गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी बच्चों, गेनिंग रेशियो विल आल्सो बी 5:2, क्योंकि बेटे जिस रेशियो में वो बेसिकली इनकी न्यू रेशियो उसी रेशियो में क्या कर रहे हैं बच्चों, गेन कर रहे हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसके अलावा बेटे इसी के रेफरेंस में मैं आपको अनदर क्वेश्चन करा रही हूँ। अब देखिए बेटे इसके अंदर जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए बेटे वो क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, उनके बीच में बच्चों रेशो है 4:3:2। ओके, अब देखो बेटे बी रिटायर हो जाता है, कौन रिटायर हो जाता है बच्चों, बी रिटायर हो जाता है, और बी का जो शेयर है, बी शेयर कौन ले लेता है बच्चों, ए और सी किस रेशो में लेते हैं बच्चों, इसके बीच में बेटा जो इनकी शेयरिंग रेशो है वो है स्टूडेंट्स 3:2। बेटे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस में रेशियो निकालनी आती है इसी तरीके से आती है। ठीक है बच्चों, जो तरीका अब मैं इस क्वेश्चन में करवा रही हूँ बेटे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस में गेनिंग रेशियो निकालनी होती है वो यही तरीका होता है। ठीक है बेटे, तो अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर बी क्या हो गया बच्चों, रिटायर हो गया, तो बी का शेयर कौन, बी का शेयर कितना है बच्चों, 3:9, कितना शेयर है बच्चों, 3:9, तो 3:9 का 3:5 तो ए लेता है। ओके, और 3:9 का 2:5 कौन लेता है बच्चों, सी लेता है, तो आप क्या लिखोगे, ए टेक फ्रॉम बी, बी जा रहा है बच्चों, तो देखो बेटा ए का जो बेसिकली ए क्या कर रहा है, बी से ले रहा है, तो देखो बेटे सबसे पहले तो यहां पर बी का शेयर लिखो, बी का शेयर है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 3:9, कितना है बच्चों 3:9, लेता किस रेशो में है, 3:5 में। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 9:45। अब ध्यान से सुनो बच्चे, ए बी से ले रहा है उसके शेयर का, उसका शेयर कितना है बच्चों 3:9, कितना ले रहा है 3:5। ओके, तो बेटे ये तो वो शेयर है जो उसने बी से लिया है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप क्या लिखोगे, अब ए का न्यू लिख लो बच्चों, टोटल लिख लो, इट्स अ सेम थिंग, ए का शेयर बच्चों क्या है 4:9 प्लस 9:45, ऐसे हम सब सोल्व करेंगे। ओके, ये आ जाएगा स्टूडेंट 20+9 दैट इज इक्वल टू 29/45। ठीक है बच्चों, अब सी ने भी लिया है ना, तो सेम इक्वेशन बच्चों, सी टेक्स फ्रॉम, सी लेता है किससे लेता है स्टूडेंट, बी से लेता है, कितना लेता है, पहले तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, उसमें पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर लिखो, तो यहां पर बच्चों बी का शेयर क्वेश्चन के अंदर क्या है 3:9। अब देखो बेटे किस रेशियो में लेता है 2:5, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 6:45, तो बेटे यू आ गया इसके अंदर भी, सी इज न्यू शेयर, सी का अब न्यू शेयर कितना है, पहले तो बच्चे ओल्ड शेयर लो, ओल्ड शेयर बेटे इट्स नॉट अ 45, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ 5। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों 6:45, तो 2:9 बच्चों उसका शेयर है, इसमें आप लोग 6:45 को क्या कर दोगे, एड करोगे 45 एलसीएम, यह आ गया बच्चों हमारा
टेन प्लस सिक्स, 16/45। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट न्यू रेशियो कितनी निकली है बच्चों हमारी, 29:16। और बच्चों इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कौन सी है, तो बेटे इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो हमें बिल्कुल डायरेक्टली पता चल रही है, गेनिंग रेशियो इज 3:2। ओके आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स, 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है बच्चों, बी का जो शेयर है उसको ए और सी ले रहे हैं 3:2 में। तो देखो बेटा ए ने लिया बी से उसके शेयर का, बी का शेयर कितना है 3/9। ओके ले कितना रहा है 3/5, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 9/45। इसलिए बच्चों ए का शेयर क्या है, पहले ए का बच्चों ओल्ड शेयर लिखिए, दिस इज 4/9 + 9/45, द सोल्यूशन इज 29/45। ऐसे ही बच्चों सी भी ले रहा है बी से, सी कितना ले रहा है, पहले तो सी, पहले तो आप इस क्वेश्चन के अंदर जाने वाले पार्टनर का शेयर लिखिए, बी का शेयर कितना है बच्चों 3/9, वो कैसे ले रहा है 2/5 में, तो उसको कितना मिल रहा है बच्चों 6/45। अब सी का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, ओल्ड शेयर है बच्चों 2/9, 6/45 एड करोगे इट्स 16/45 इन दिस क्वेश्चन। न्यू रेशियो इज 29:16 एंड गेनिंग रेशियो इज 3:2। अब देखिए बच्चों इसी रेफरेंस में मैं आपको एक अनदर क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटे इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। अब इनके बीच में बच्चों जो हमें रेशियो दे रखी है एक्स वाई जेड की, वो दे रखी है स्टूडेंट्स 2:2:1। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर वाई रिटायर होता है, ठीक है, वाई क्या हो रहा है बच्चों वाई रिटायर्स। इस क्वेश्चन में बेटे कंडीशन क्या है कि वाई के रिटायर होने के बाद जो बेसिकली जो शेयर है वो किसको मिल रहा है बेटे यहाँ पर एंटायरली बाय जेड, यानी कि वाई रिटायर हो रहा है बच्चों, तो वाई का जो शेयर है वो सारा का सारा शेयर किसको मिल रहा है बच्चों जेड को। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर एक्स का शेयर तो सेम रहेगा बच्चों, ठीक है, अब वाई का, अब आप क्या लिखोगे, वाई टेक फ्रॉम जेड, ठीक है ना, अब सॉरी इट्स अ जेड टेक्स फ्रॉम वाई, क्योंकि बेटे जो रिटायर हो रहा है वो देगा, ठीक है ना, तो जेड टेक्स फ्रॉम वाई कितना ले रहा है बच्चों, उसने अपना सारा का सारा शेयर, यानी कि बच्चों इसका शेयर क्वेश्चन के अंदर कितना है बेटा, कितना है स्टूडेंट वाई का शेयर क्वेश्चन में 2/5, कितना है बच्चों 2/5। तो बेटा अब ये पूरा का पूरा शेयर किसको दे रहा है बच्चों, पूरा का पूरा शेयर किसको दे रहा है इस क्वेश्चन में, जेड का टोटल शेयर। टोटल शेयर कैसे निकालते हैं, या आप कह सकते हैं बच्चों न्यू शेयर, पहले तो बेटा इस क्वेश्चन में जेड का ओल्ड शेयर लिखो, दैट इज 1/5 + 2/5 इट्स 3/5। तो देखो बेटे न्यू रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की रेशियो और जेड की रेशियो, एक्स की रेशियो तो बच्चों सेम रही 2/5 और जेड की रेशियो क्या होगी स्टूडेंट्स 3/5। ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों न्यू रेशियो कितनी हो गई 2:3, कितनी हो गई 2:3, क्योंकि देखो बेटे वाई के रिटायर होने से वाई ने पूरा का पूरा शेयर किसको दिया है बच्चों जेड को दिया है। तो बेटे वाई का शेयर क्वेश्चन के अंदर कितना है बच्चों 2/5, ठीक है बेटा 2/5 को मैंने जेड के शेयर के अंदर ऐड कर दिया है बच्चों, तो कितना आ गया स्टूडेंट 3/5। इन दिस क्वेश्चन गेन कौन कर रहा है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो गेन बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, क्योंकि एक्स के शेयर जो ओरिजिनल शेयर है वो क्या रहा बच्चों सेम रहा, एक्स के शेयर के अंदर किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं आया है। इसी सीरीज में बच्चों मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाती हूँ। ओके अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर ए बी पार्टनर सी पार्टनर्स हैं, तो बेटे पहले हम इस रेशो को इक्वेट करते हैं, दिस रेशो इज 3:2:1। ओके तो बेटे यहां पर ए बी और सी के बीच में बच्चों रेशो कौन सी है 3:2:1। आगे देखिए बेटे 10th क्वेश्चन के अंदर इसमें दे रखा है बच्चों कि ए और बी इन फ्यूचर, ए और बी इन फ्यूचर इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली मैंने क्या होता है बच्चों 1:1। और इस क्वेश्चन के अंदर बेटे सी क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है, तो देखो बेटा कैसे निकालोगे, दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज अवर न्यू रेशियो, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटे आप लोग गेनिंग रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है बच्चों, न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो। अब देखो बेटा न्यू रेशियो हम ए की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कितनी है बेटा ए की जो हमारी न्यू रेशियो है वो है बच्चों इसके अंदर -1/2, यानी कि न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर, इट्स अ मिस्टेक बच्चों, न्यू रेशियो है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 1/2 और जबकि ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में 3/6। ओके अब देखो बेटे आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके 3 माइनस 3 दैट इज 0/6, इट मीन्स ये कोई गेन नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं बच्चों बी की, बी का शेयर न्यू शेयर कितना है बच्चों 1/2 -2/6, आप इसको सॉल्व करोगे भाई 3 माइनस 2 दैट इज 1/6, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे गेन कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है, ए किसी भी तरह से कोई गेन नहीं करेगा तो बी गेन करेगा, वो कितना करेगा बच्चों 1/6 शेयर। ये पॉइंट मैंने वो कराया है बच्चों किसके अंदर क्या है कि आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है तो आप डिडक्ट करके निकाल सकते हो। इसी रेफरेंस से बेटे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। नंबर 11 इसके अंदर दे रखा है बेटे रेखा रुचि और सुरुचि आर पार्टनर्स। ओके बेटे क्या कह रखा है कि कुछ नहीं बोल रखा तो हम क्या मानते हैं बच्चों इक्वल पार्टनर्स। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कौन रिटायर होता है रुचि रिटायर्स, रुचि क्या हो जाती है बच्चों रिटायर हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, अगर रुचि का शेयर ठीक है ना कौन कौन लेंगे बच्चों दो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर इज रेखा और सुरुचि, कौन कौन है बच्चों रेखा और सुरुचि, वो किस रेशो के अंदर लेते हैं बच्चों 2:3 में, कैसे लेते हैं बच्चों 2:3 के अंदर। ठीक है बेटा सेम पार्टनर पार्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटे रेखा टेक्स फ्रॉम, रेखा किससे लेती है बच्चों रुचि से क्योंकि रुचि जा रही है। अब देखो बेटे इन क्वेश्चंस में गलती मत करना बेटा, आप एक बात ध्यान रखना कि पहले रुचि का शेयर कितना है जाने वाले का शेयर है बच्चों 1/3, कितना शेयर वो रेखा को देती है 2/5, कितना देती है स्टूडेंट 2/5, ओके 15। अब देखो बेटे रेखा जो है उसको ये शेयर मिलता है 2/15 रुचि से मिलता है, तो बेटे रेखा के पास अपना शेयर भी है, रेखा न्यू शेयर, रेखा का अब न्यू शेयर कितना है उसको जब रुचि से शेयर मिलता है तो रेखा का बच्चों न्यू शेयर है क्वेश्चन के अंदर 1/3, देन जो उसको रुचि से मिला इट्स अ 2/15, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हम 15 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 7/15। ऐसे ही बच्चों सुरुचि को भी मिलता है तो आप क्या लिखोगे सुरुचि टेक्स फ्रॉम, अब सुरुचि किससे ले रही है बच्चों शेयर रुचि से, कितना ले रही है पहले आप रुचि का शेयर लिखिए बच्चों, रुचि का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों 1/3 और किस रेशो में दे रही है बच्चों ये 3/5, ओके ये आ गया स्टूडेंट हमारा 3/15। तो बेटे अब इस क्वेश्चन के अंदर सुरुचि न्यू शेयर, अब इसका न्यू शेयर कितना है यानी कि हम लोग उसके ओल्ड शेयर के अंदर गेनिंग शेयर क्या कर देंगे एड कर देंगे, तो देखो बेटे उसका ओल्ड शेयर है 1/3 और 3/15 यहां पर क्या है उसका गेनिंग शेयर, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर ये आ गया स्टूडेंट 8/15, देन न्यू रेशो इन आवर क्वेश्चन, तो बेटा न्यू रेशो आफ्टर एडिंग गेनिंग रेशो इनटू ओल्ड रेशो, हमने क्या किया बच्चों गेनिंग रेशो को ओल्ड रेशो में ऐड कर दिया तो ये भी बेटा हमारी क्या है न्यू रेशो, यहां भी हमने ऐसे किया तो बेटे 7:8 यहां पर क्या है बच्चों हमारी न्यू रेशो। अब बात आती है बच्चों गेनिंग रेशो की, गेनिंग रेशो तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको देखने से पता चल रहा है बच्चों इन दिस क्वेश्चन गेनिंग रेशो इज 2:3, ओके अब देखो बेटे ऐसा है मैंने आपको जितने भी डिफरेंट टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते थे बेसिकली जो मुझे लगा कि थोड़े से आपको मतलब टॉपिक से रिलेटेड हैं को रिलेटेड हैं आपको आने चाहिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो देखो बेटे आज का हमारी इस वीडियो का यही टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ओके बेटे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर तो आपको ओल्ड और न्यू दे रखा है वहां तो सिर्फ आपको करना ही क्या है कि आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। बेटे 5-6 जितने भी क्वेश्चंस रह गए आप ट्राई कीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बताइए। बेटे मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक ईमानदार कोशिश करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, ठीक है बच्चों
इस चैप्टर से एक नई शुरुआत कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.